आइए बेटा मैं ये लेस देन सीरीज बनाना सिखाता हूँ आपको। आपके पास दिस वॉज द क्वेश्चन गिवन, ये आपका क्वेश्चन था जिसमें मार्क्स दिए थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो आपके पास एक कंटिन्यूस सीरीज दी हुई थी। आपने इस कंटिन्यूस सीरीज से इसको किसमें कन्वर्ट करना है, लेस देन सीरीज। लेस देन सीरीज में आपने क्या करना है, अपर लिमिट्स लेना, तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। आपने इसको लेस देन 10, 20, 30, 40, 50 में कर लिया। फिर इसको फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कन्वर्ट होगी बेटा, पहली फ्रीक्वेंसी 5, ये 5, फिर 5 + 7 12 + 3 15 15 + 2 17, तो मैं प्लस करता चला गया लेस देन फ्रीक्वेंसी के, लेस देन सीरीज के लिए आपको बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्या बनानी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है, तो ये आपकी लेस देन की फ्रीक्वेंसी। अब इस लेस देन को अगर मैं डायग्राम में बनाऊंगा तो मैं इस लेस देन कर्व को कैसे दिखाऊंगा, जरा वो देखिए, जस्ट हैव अ लुक कि मैं लेस देन को कैसे प्लॉट करूं। देखिए बेटा यहां पर आराम से मैं यहां पर लूंगा एक्स एक्सिस पर मार्क्स और यहां लूंगा मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स है मेरे 10, 20, 30, 40, 50, लेट्स टेक वन मोर 6। ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी मुझे हाईएस्ट कितने पे लेके जानी, द हाईएस्ट इज 21 और मेरा लोएस्ट इज 5, राइट। तो मैं दो दो का भी ले सकता हूँ और मैं तीन तीन का भी ले सकता हूँ, एनीवेज इट इज ओके। मैं दो दो का ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, इनफ फॉर मी, 22 तक इनफ है। अब मैं इस पे लेस देन सीरीज को प्लॉट करने वाला हूँ। लेस देन सीरीज कैसे प्लॉट होगा बेटा, 10, 10 के सामने क्या है 5, मुझे एक्स एक्सिस पर चाहिए 10। ये बेटा ये कहां दिखा रहा हूं मैं, x एक्सिस पर, और ये कहां दिखा रहा हूं, y एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, 10 5, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 10 5, यानी x एक्सिस पे 10 और y एक्सिस पे 5। तो 10 यहां से लिया, 5 यहां से लिया, आई प्लॉट दिस पॉइंट एज दिस, इज दैट ओके। देन 20 12 20 हियर एंड 12 हियर, आई प्लॉट इट हियर, ये मेरा दूसरा पॉइंट। देन 30 15 30 यहां और 15 यहां, सो आई प्लॉटेड समवेयर हियर। देन 40 17 40 17 विल बी समवेयर हियर। देन 50 21, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट आई हैव, 50 पे 20। तो मैं इनको अगर ज्वाइन कर देता हूं बेटा, इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज लेस देन ओजाइव। व्हाट इज इट कॉल्ड, लेस देन ओजाइव, इसको क्या बोलते हैं बेटा। मोर देन सीरीज के लिए आपको क्या लेना है, लोअर लिमिट, ठीक है। सो फर्स्ट विल बी मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 एंड मोर देन 40। तो आपको मोर देन के लिए कौन सी लिमिट्स लेनी है बेटा, लोअर लिमिट्स। उसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी आपका टोटल हो जाएगा, पहली फ्रीक्वेंसी आपका टोटल हो जाएगा 21। पहली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा, टोटल, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 20। उसके बाद आपने जैसे लेस देन में फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया था, मोर देन में फ्रीक्वेंसीज को माइनस करो, तो 21 - 5 विल बी 16, 16 - 7 विल बी 9, 9 - 3 6, 6 - 2 अल्टीमेटली आपकी लास्ट फ्रीक्वेंसी बच गई। निशानी ये है, लेस देन के केस में पहली फ्रीक्वेंसी मैच करती है
और मोर देन के केस में लास्ट फ्रीक्वेंसी मैच करो. इज दैट ओके? अब आपने इस वाली फ्रीक्वेंसी सीरीज को, मोर देन सीरीज को प्लॉट करना. पहले के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 0, 21. पहले के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 21. तो 0, 21 बेटा मेरा ये पॉइंट होगा ऑन वाई एक्सिस. बेटा जब 0 होगा एक्स एक्सिस और 21 ये होगा, तो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट 0, 21. देन 0, 21 के बाद 10, 16. 10 यहां और 16 यहां. दिस इज माय सेकंड पॉइंट टू बी प्लॉटेड हियर. देन 20, 12. 20 ये रहा और 12 ये रहा. ये यहां पर यही पॉइंट है. It should be here. 20 and 9. And then, just give me a minute, I'll correct my mistake. 20 and 9. This is my point. 30 and 6. This is another point I have. 40 and 4. All right. अब मैं इनको ज्वाइन करूंगा. इसको मैं बोलता हूं बेटा मोर देन ओजाइव. ये मेरा लेस देन ओजाइव था. लेस देन ओजाइव ऊपर की तरफ जाता है और मोर देन ओजाइव नीचे की तरफ आता है. अब आप क्या करेंगे, जहां भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन लेंगे, उस लाइन का परपेंडिकुलर जो है आप एक्स एक्सिस पे गिराएंगे. ये जहां पर परपेंडिकुलर गिरेगा, ये जो परपेंडिकुलर गिरा है, दिस इज योर 19 अप्रोक्सीमेटली विल बी योर मीडियम. जहां पर भी ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे गिरेगा, किसके इंटरसेक्शन से? लेस देन और मोर देन के इंटरसेक्शन से. जो परपेंडिकुलर आप एक्स एक्सिस पे गिराओगे, जहां पर वो एक्स एक्सिस पे आएगा, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ मीडियम. दैट ओके? तो आप फिर से एक बार पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूं. आपके पास ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इस क्वेश्चन को आप पहले लेस देन में कन्वर्ट करेंगे और फिर मोर देन में कन्वर्ट. एक बार लेस देन का ओजाइव बनाएंगे, एक बार मोर देन का. दोनों ओजाइव जहां इंटरसेक्ट करेंगे, उस इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे गिराएंगे. उस परपेंडिकुलर जहां एक्स एक्सिस पे गिरेगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर मीडियम. इज दैट ओके?